वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। इस ऊंचाई पर दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने जंप सूट्स की एक एक्स्ट्रा लेयर पहनी हुई थी। उन सब ने एक साथ B-25 बॉम्बर प्लेन से छलांग लगाई ताकि वो सब फ्री फॉल के दौरान फॉर्मेशन में आ सकें। उस वक्त उन्हें अपने नीचे बादलों की एक मोटी तह नजर आ रही थी और उन्हें बादलों से गुजरने के बाद अपने पैराशूट्स खोलने की हिदायत दी गई थी। लेकिन जब वो सब बादलों को चीरते हुए नीचे आए तो उनकी खुशी खौफ में बदल गई। उनके पैरों तले ऑर्टनर एयरपोर्ट नहीं बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ लेक एरी का गहरा पानी था। सामने खड़ी अपनी मौत के मंजर को देखते ही उन सब ने अपने पैराशूट्स खोल दिए इस उम्मीद में कि शायद हवा का दबाव उन्हें खींचते हुए लेक एरी के किनारे तक ले जाएगा और वो जमीन के करीब लैंड कर जाएंगे। झील में जिस जगह वो आकर गिरे वो पॉइंट किनारे से 10 किलोमीटर दूर था। डाइवर्स ये सोच रहे थे कि वो पानी में गिरने के बाद अपनी हार्नेसेस से निकलकर पानी में तैरते रहेंगे और कुछ देर बाद रेस्क्यू अमला उनकी मदद को आ पहुंचेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर्स में इतना वजन था कि उन्हें पहनकर पानी में तैरना नामुमकिन था। उन 18 स्काई डाइवर्स में से सिर्फ 2 स्काई डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने खतरा देखते ही अपने जूते जैकेट और दूसरे वजनी सामान को उतार कर फेंक दिया था। इस हाजिर दिमागी की वजह से वो दोनों स्काई डाइवर्स बच गए और बाकी 16 स्काई डाइवर्स लुकमाए अजल बन गए। इस बदकिस्मत हादसे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस हादसे की वजह जानने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। तफ्तीश के दौरान B-25 बॉम्बर प्लेन और सेस्ना 180 के पायलट्स ने ये दावा किया कि ATC ने उन्हें गलत लोकेशन बताई थी और ATC का कहना था कि उन्हें लोकेशन तो सही बताई गई थी। हो सकता है कि हवा का दबाव उन्हें धकेलकर आगे ले गया हो। एक पल को अगर ये बात मान भी ली जाए तब भी हवा का दबाव उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक आगे ले जा सकता था, मगर वो लोग तो ड्रॉप लोकेशन से 20 किलोमीटर आगे थे। मुकम्मल तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि जिस वक्त दोनों पायलट्स ने ATC से अपनी फाइनल लोकेशन कंफर्म की थी उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट तब्दील हुई थी। ड्यूटी पर आए नए कंट्रोलर ने B-25 बॉम्बर प्लेन को जो लोकेशन बताई थी वो सेस्ना 180 की थी। यानी जिस वक्त बॉम्बर प्लेन के पायलट को ये बताया गया था कि वो इस वक्त ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और बॉम्बर प्लेन लेक एरी के ऊपर था। पायलट्स और स्काई डाइवर्स से भी एक गलती हुई थी और वो ये कि उन्होंने टारगेट को देखे बिना ही प्लेन से जंप किया था, जो एविएशन लॉस की खिलाफ वर्जी है। अगले साल डूबने वाले 16 स्काई डाइवर्स की याद में स्काई डाइवर्स की एक टीम ने फ्लोटिंग इक्विपमेंट पहनकर लेक एरी में लैंड किया और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराया और B-25 बॉम्बर प्लेन के पायलट का लाइसेंस जब्त कर लिया और स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि अब वो हमेशा पानी से कम 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।